न्यूज नेशन में खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हाँ, आज हम आपको बंगाल में होने वाले चुनाव की गणित पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी ममता दीदी ने चुनाव आयोग पर हल्ला बोला है, हार के डर से ले लिया बड़ा एक्शन। जी हाँ, सही सुना आपने, आज हम आपको पूरी खबर बताने वाले हैं। बस आपसे अनुरोध है, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए। चलिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग का गणित समझिए जरा, किसे होगा इसका फायदा। पश्चिम बंगाल चुनाव में 8 चरणों में वोटिंग का गणित आज आपको समझने की जरूरत है, और इससे किसको फायदा होगा आज ये भी पता चलने वाला है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। उन्होंने 8 चरणों में वोटिंग कराने के फैसले का भी विरोध किया। ममता बनर्जी भले चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने से होगा क्या। आज हम सबसे पहले भारत की शुद्ध देसी राजनीति का विश्लेषण करेंगे, और ये राजनीति है चुनाव की। चुनाव आयोग ने पहले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश यानी पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया, और इन सभी चुनाव के परिणाम 1-7-2 मई को आएंगे, और हमारा देश इसके लिए पूरी तरह तैयार भी है। भारत की शुद्ध देसी राजनीति की अगर हम बात करें तो भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर वर्ष 1000 से भी ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी हर दिन भारत के लोग 3 त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, और चुनाव भी इन्हीं में से एक है। भारत में हर साल औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं, यानी हर 4 महीने में हमारे देश के लोग अपने राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपना वोट देकर उसे चुनावी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, और इसलिए हम इसे भारत की शुद्ध देसी राजनीति कह रहे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक चुनावों से जुड़ी है। आज चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ इस समय ममता बनर्जी की सरकार है और बीजेपी उन्हें सीधी टक्कर दे रही है। इस सीधी टक्कर से देश की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आएगा, साथ ही आज हम आपको उस सवाल का जवाब भी देंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और ये सवाल है कि इन राज्यों में कौन जीत रहा है। तो इस सवाल का जवाब भी आज हम आपके लिए हमने तैयार कर लिया, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले हम आपको इन राज्यों की चुनावी डेट शीट की जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, उसके बाद 10 अप्रैल को होंगे, फिर 17 अप्रैल और 22, फिर 26 अप्रैल और अंतिम चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। असम की 126 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 27 मार्च को, दूसरा चरण 1 अप्रैल को, आखिरी चरण 6 अप्रैल को होगा। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश यानी पुदुचेरी में 6 अप्रैल को सभी सीटों पर वोटिंग होगी, और इन सभी चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की कुल आबादी को जोड़ दे तो ये संख्या करीब 25 करोड़ है, यानी देश की कुल आबादी के लगभग 19% लोग इन राज्यों में रहते हैं, और यहाँ कुल वोटर्स की संख्या भी 18 करोड़ से ज़्यादा है। इनमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है। असम में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सरकार के अल्पमत में आने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तमिलनाडु में इस समय AAIDMK की सरकार है और केरल में लेफ्ट की सरकार है। ये राज्य बीजेपी के लिए वर्जिन आइलैंड
के तौर पर हैं। ये तो इन राज्यों की मौजूदा स्थिति है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 में से 3 या उससे कम सीटें मिली थी। इनमें पुदुचेरी और तमिलनाडु में बीजेपी 0 पर सिमट कर रह गई थी। इन राज्यों को आप बीजेपी के लिए वर्जन आइलैंड भी कह सकते हैं, जहाँ उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर बीजेपी इन राज्यों में जीत दर्ज कराती है तो इससे पार्टी का पूर्वी और दक्षिण भारत में विस्तार होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य उसके लिए गेम चेंजर बन जाएंगे, क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें 116 सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राज्य गैर हिंदी भाषी हैं और बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता है। अब अगर वो इन राज्यों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है तो इसमें 2 बड़े परिणाम आएंगे। पहला, भारत में बीजेपी का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी चारों दिशाओं में हो जाएगा। और दूसरा परिवर्तन ये कि राष्ट्र राजनीति के साथ क्षेत्र राजनीति में भी बीजेपी की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी। यहाँ एक और बात ये है कि इन चुनावों में अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं तो 2024 में आम चुनाव में इन राज्यों की भूमिका अहम हो जाएगी। इन चुनाव में कौन जीत रहा है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि इन चुनाव में कौन जीत रहा है, तो आज हमने इसका जवाब भी आपके लिए तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। 2016 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 294 सीटों में से केवल 3 सीटें मिली थी, लेकिन 3 वर्षों के बाद ही ये तस्वीर बदल गई है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 लोकसभा सीटों में 18 सीट पर जीत मिली और उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 40.64 हो गया। ये टीएमसी को मिले वोट से मात्र 3% कम है, यानी बीजेपी टीएमसी के काफी करीब पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। असम में इस समय बीजेपी की सरकार है और यहाँ उसका कांग्रेस से मुकाबला है, यानी इन दोनों पार्टियों के बीच असली लड़ाई है। तमिलनाडु में इस बार समीकरण काफले उलझे हुए हैं और वहाँ की राजनीति के 2 प्रमुख चेहरे जयललिता और एम करुणानिधि आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता का निधन हो गया था और 2018 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद एम करुणानिधि की भी मौत हो गई थी। यही वजह है कि तमिलनाडु के चुनाव में इस बार कोई बड़ा चेहरा नहीं है और समीकरण काफी उलझे हुए हैं। इस समय राज्य में AIADMK की सरकार है और लोकसभा चुनाव में उसे DMK से बड़े अंतर से हार मिली थी। ऐसे में मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच होगा। हालांकि बीजेपी भी इस बार तमिलनाडु में अपना खाता खोल सकती है और उसे भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। केरल में LDF यानी लेफ्ट की सरकार है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा LDF, UDF और बीजेपी के बीच। यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बंगाल की पिच पर ममता बनर्जी अगर बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की करें तो इस राज्य के चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह होंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बंगाल की पिच पर पिछले 10 वर्षों से बैटिंग कर रही हैं और सत्ता में है और विपक्ष को भी उनसे काफ़ी उम्मीद है। आप कह सकते हैं कि विपक्ष के पास भी ममता बनर्जी के रूप में एक बड़ा विकेट अब भी बचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति बीजेपी के खिलाफ ही है। ऐसे में अगर चुनाव में ममता बनर्जी हार गई तो विपक्ष उनके रूप में एक बहुत बड़ा विकेट खो देगा। ऐसी स्थिति में पहले से कमजोर हो चुके विपक्ष के पास ज्यादा खिलाड़ी नहीं बचेंगे और 2024 के आम चुनाव के लिए उसकी राह और भी कठिन हो जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के
बाद से ही विपक्ष इस बात को समझ रहा है और शायद यही वजह है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही ममता बनर्जी को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसा करना उनकी एक बड़ी मजबूरी है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जड़ें मजबूत है और ग्रामीण इलाके में टीएमसी का संगठन अब भी शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में लड़ाई आसान नहीं होगी। मोदी मैजिक का परीक्षण समझिए जरा इस यहाँ पे। इस समय देश के 17 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार है और अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी जीत जाती है तो ये संख्या 21 हो जाएगी। इन चुनाव के नतीजों से भी तय करेंगे कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कम हुआ या फिर ये और तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जिन पर इन राज्यों की राय अब तक बटी हुई नजर आई है। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है नागरिकता संशोधन कानून, जिसे ममता बनर्जी ने बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया और बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में भी उठा रही है, क्योंकि इस कानून से का सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए हिंदू परिवारों को मिलेगा और ममता बनर्जी इस बात को बखूबी समझ रही हैं। यानी मोदी मैजिक का तो परीक्षण होगा ही, साथ ही इस कानून का भी ये चुनाव टेस्ट करेंगे। कृषि कानून पर लोगों की राय को और स्पष्ट कर देंगे नतीजे। इसके अलावा इन चुनाव के नतीजों से ये भी तय होगा कि कृषि कानून के मुद्दे पर इन राज्यों के लोग क्या सोचते हैं। अब तक किसानों का आंदोलन 1-2 राज्यों तक ही सीमित नजर आया और दूसरे राज्यों के किसानों के इसके खिलाफ अपने मत नहीं दिया, इसलिए आप चाहे तो ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के नतीजे कृषि कानून पर लोगों की राय को और स्पष्ट कर देंगे। चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच भी है। अब आप ये समझिए कि ये कैसे चुनाव असल में 2 विचारधाराओं के बीच का भी है। ये राष्ट्रवाद उदारवाद की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां ममता बनर्जी और कांग्रेस है। इलेक्शन में 18 करोड़ मतदाता इन 2 विचारधाराओं में से एक विचारधारा का सिलेक्शन करेंगे और ये देश के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इसी से तय होगा कि भारत अब किस ओर बढ़ रहा है और हमारे देश का मूड क्या है। 8 चरणों में वोटिंग का गणित चुनावों की तारीखें के ऐलान के साथ एक नई राजनीतिक परंपरा की भी शुरुआत हुई और ये परंपरा है इलेक्शन के नतीजे से पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना। अब तक हमारे देश के नेता चुनाव में हार के बाद इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इनके लिए एक अच्छा बहाना बन जाती थी, लेकिन अब ये परंपरा बदल गई है और इसे बदला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे कि बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने 8 चरणों में वोटिंग कराने के फैसले का भी विरोध किया। ममता बनर्जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग पर हमले तेज हो गए और कुछ ही घंटों में ये मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ममता बनर्जी भले ही चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने से क्या होगा। इससे आप संक्षिप्त में समझिए जरा। 2016 में बंगाल में 6 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में खतरों का देखते हुए तब तक 1 चरण के को 2 तारीखों में बांट दिया गया था और इस तरह वोटिंग 7 चरणों पर पूरी हुई थी। लेकिन तब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया और जब उन्हें इसके पीछे बीजेपी की साजिश नजर आ रही है, अब आप सोचिए, अब बीजेपी पर साजिश नजर आ रही है ममता बनर्जी को। अब आप ये सोच समझिए कि लंबा चुनाव होता तो किसे फायदा होगा और छोटा चुनाव होगा तो किसे फायदा होगा। 8 चरणों में अगर ये चुनाव होता तो धीरे धीरे 1 महीने में ये चुनाव होगा और बीजेपी, जैसे आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने वाली मशीन यानी वेल
ऑयल एंड मशीनरी की तरह काम करती हैं। चुनाव जितना एक लंबा खींचा जाएगा बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। बीजेपी एक बहुत सक्षम चैलेंजर के तौर पर उभर कर सामने आ रही है और बीजेपी को जो रणनीति होगी वो ये कि पार्टी की हर फेस के लिए एक अलग रणनीति लेकर सामने आएगी। जैसे अगर 8 चरण हैं तो हर फेस के लिए बीजेपी के पास अलग रणनीति होगी। इसके साथ ही बीजेपी की रणनीति यह रहेगी कि पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो धीरे धीरे कर उबलता चला जाए। पहले चरण में उबलना शुरू होगा और 8वें चरण तक इसका उबाल ले लेगा कि बीजेपी को इसका फायदा होने लगेगा। आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए खास बात यह है, ये भी है कि अगर पहले दूसरे या तीसरे चरण में उनसे कोई गलती होती है, चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाते हैं, तो उन्हें बीच में ये पता भी लग जाएगा कि कहीं ना कहीं चुनाव में उनकी रणनीति गलत जा रही है और पार्टी को इस रणनीति को ठीक करने का भी मौका बीच में ही मिल जाएगा। इसलिए ये जो लंबा चुनाव है इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। अब हम आपको जल्दी से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और पुदुचेरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी बता देते हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी केरल में है, ये 9% है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3.9%, असम में 6.7% और तमिलनाडु में बेरोजगारी दर 6.6% है। इन 4 राज्यों में और पुदुचेरी में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 824 है जबकि लोकसभा सीटें 116 है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ है और सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के बाद 4थे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2019 में 12 हत्याओं का कारण राजनीतिक था। इसके अलावा केरल में 2019 में राजनीतिक वजह से 4 हत्याएँ हुई थी और ये यहाँ अहम बात यह है कि पिछले 6 वर्षों में ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है और इन राज्यों में पश्चिम बंगाल में 15 से 24 वर्ष के युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये संख्या 17 लाख है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आगे बने रहने के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।